नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और टेक स्टाफ के एक और नए एपिसोड में मैं फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 2500 का। एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं हर बार की तरह सैमसंग के साथ और हमारे फेवरेट सर्टिफिकेशन किंग सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन के साथ। जी हां, दुनिया के जितनी भी सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स हैं वहां पे ये स्मार्टफोन ऑलरेडी हो चुका है लिस्ट, बट एक और सर्टिफिकेशन वेबसाइट राइट अहेड ऑफ द लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन को मैंने एक और सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे कर लिया है स्पॉट। ये है NFC सर्टिफिकेशन। तो यार NFC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे अगर कोई स्मार्टफोन या कोई डिवाइस जो है वो लिस्ट हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? रुक, तेरे को बताते। इस स्मार्टफोन में ऑफकोर्स आपको NFC सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो गाइस A52 स्मार्टफोन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट सैमसंग गैलेक्सी A32 जो स्मार्टफोन है इसके बारे में कल शाम के टेक्स्ट में ना एक्सक्लूसिवली मैंने स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को बताया था कि यार ये स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, बट मेरे को नहीं पता था कि यार मेरे एक्सक्लूसिव लीक के इतनी जल्दी ये स्मार्टफोन आ जाएगा। बिकॉज सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन को अगर आप इंडिया में खरीदने की सोच रहे हैं तो 5 मार्च को इसकी पहली सेल लाइव होने वाली है इंडिया में। सैमसंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस और लाइव शॉट जो है ये भी लिस्ट हो चुकी हैं। नोटेबली सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन में आपको एक 6.4 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD प्लस इंफिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलेगी। मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर होगा, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होगी, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 5000mAh बैटरी, 15 वाट्स की फास्ट चार्जिंग, एंड्रॉइड 11, 64 मेगापिक्सल प्लस 8+5+5 का आपको मिलेगा रियर कैमरा सेटअप और साथ में 20 मेगापिक्सल का होगा सेल्फी स्नैपर। तो गाइस ये स्मार्टफोन अब आपको 5 मार्च को इंडिया में देखने को मिलेगा वाला है और गैलेक्सी A32, A52 और A72 ये तीनों स्मार्टफोन्स मार्च महीने में आप लेके चलो कि इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। और गाइस गैलेक्सी A सीरीज के 3 स्मार्टफोन्स के बारे में तो होगी बात, बट सैमसंग का एक रगेड स्मार्टफोन, रगड़ने वाला स्मार्टफोन भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। नाम याद है आपको इसका? सैमसंग गैलेक्सी X-Cover 5 स्मार्टफोन का नाम था और थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे कुछ टाइम पहले ये स्मार्टफोन हुआ था सर्टिफाई। और आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि सैमसंग का ये जो अपकमिंग रगेड स्मार्टफोन है ये ग्लोबल मार्केट में अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। बिकॉज ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन जो होती है ना, जो हमारी मतलब एवर ग्रीन सर्टिफिकेशन वेबसाइट है, वहां पे भी सैमसंग का अपकमिंग रगेड जो स्मार्टफोन है गैलेक्सी X-Cover 5 ये हो चुका है अब सर्टिफाइड। एंड गाइस ओप्पो भी बहुत जल्दी एक नए मिड रेंज 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। स्मार्टफोन का नाम है ओप्पो A74। ये स्मार्टफोन भी एक दो अलग अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पे सर्टिफाई हो चुका है और आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि ओप्पो A74 जो स्मार्टफोन है अब बहुत जल्दी एशियन मार्केट्स में भी लॉन्च होने वाला है। बिकॉज थाईलैंड की जो NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट होती है ना वहां पे इसका अप्रूवल जो प्रोसेस है वो हो चुका है शुरू। अब ओप्पो A74 जो स्मार्टफोन है इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है और इसका नाम जो है हो सकता है आपको कुछ और देखने को मिले। बट या ओप्पो का ये मिड रेंज 5G स्मार्टफोन आपको बहुत जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस बहुत सारे स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे आज के टेक्स्ट स्टफ में, बट नोकिया के स्मार्टफोन्स के बारे में पहले बात करनी बनती है। नोकिया ने अपने नोकिया 3.4 स्मार्टफोन को लॉन्च किया कुछ टाइम पहले, 5.4 भी लॉन्च हो गया और यहां पे नोकिया के 7-8 नए स्मार्टफोन बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट में होने वाले हैं लॉन्च। नोकिया TA1336, 1342, 1352, 1359 इतनी लंबी लिस्ट है, मतलब नोकिया रुकने वाला नहीं है। और नोकिया को अगर आप नो करने की सोच रहे थे तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा नोकिया के इतने सारे स्मार्टफोन्स। अब यार इनकी प्राइस क्या होगी, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, ये तो आने वाले कुछ टाइम पे ही पता चलेगा, बट नोकिया के इतने सारे स्मार्टफोन्स बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। और गाइस मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि यार ROG Phone 5 जो गेमिंग स्मार्टफोन है 10th को लॉन्च हो रहा है, इससे पहले एक और गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च होगा। इसका नाम होगा नूबिया का रेड मैजिक 6, उड़ने वाला स्मार्टफोन, याद है आपको? तो गाइस ये जो स्मार्टफोन है ना ये एक स्मार्टफोन ना होकर एक स्मार्टफोन सीरीज होने वाली है। जी हाँ, नूबिया रेड मैजिक 6 और रेड मैजिक 6 प्रो ये दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्दी चाइना में। और टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे दोनों के दोनों जो स्मार्टफोन है ये अब ऑफिशियली लिस्ट हो चुके हैं। स्पेसिफिकेशन तो ज्यादा निकल के नहीं आई बट इनके लाइव शॉट्स जो हैं ये टेना के थ्रू हमें पता चल चुकी हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द नूबिया रेड मैजिक 6 एंड द रेड मैजिक 6 प्रो स्मार्टफोन्स आर डेफिनेटली गोइंग टू लुक लाइक। देख ली इमेजेस? तो गाइस थोड़ी सी बोरिंग इमेजेस होती ना टेना की, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस नूबिया रेड मैजिक 6 की। बिकॉज कंपनी ने नूबिया ने खुद से भी ऑफिशियल जो लाइव शॉट्स है ना नूबिया रेड मैजिक 6 स्मार्टफोन की उनको कर दिया है लाइव। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखिए कितना क्यूट लगा आपको ये स्मार्टफोन, कमेंट सेक्शन में पक्का से आप हमें बता सकते हैं।
एंड गाइस एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यार ऑनर के कुछ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होगा इन स्मार्टफोन्स में, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1100 1200, ये वाले जो प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स हैं ऑनर के, ये तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। बट ऑफकोर्स ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होंगे, बट डिजिटल चैट स्टेशन जी की अगर हम माने तो ऑनर बहुत जल्दी अपने नए एंट्री लेवल बजट वाले और मिड रेंज स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च करने वाला है। ये जो स्मार्टफोन्स होंगे मई और जून महीने में लॉन्च होंगे और इंडिया में भी हमें ये स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं। नॉट जस्ट दैट गाइस, जून के बाद ऑनर का पहला फोल्डिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन भी होने वाला है लॉन्च। इसका नाम हो सकता है ऑनर मैजिक फोल्ड, और इसके अलावा ऑनर का एक फ्लैगशिप टैबलेट जो है ये भी अब आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो यस, अगर आप एक ऑनर फैन हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2021 में ऑनर की जर्नी खत्म नहीं हुई और जीएमएस के साथ हमें ऑनर के बहुत सारे स्मार्टफोन्स आने वाले कुछ टाइम पे देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस कमबैक्स की वजह से अगर हम बात करें तो आईकू भी बहुत जल्दी इंडिया में कमबैक करने वाला है। आईकू 7 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, आईकू नियो 5 के भी लॉन्च होने के चांसेस बन रहे हैं अभी के लिए। और आईकू नियो 5 जो स्मार्टफोन है ना, इसका एक नया लीक निकल गया है और ये लीक तो मतलब निराला सा लीक है, बिकॉज आईकू नियो 5 स्मार्टफोन के 2 अलग अलग स्मार्टफोन के साथ चार्जिंग टेस्ट वाली जो वीडियो है ना वही होगी लीक। मतलब जो लॉन्च के बाद वीडियो वगैरह पब्लिश होनी है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आईकू नियो 5 स्मार्टफोन का चार्जिंग टेस्ट, मतलब आधी वीडियो दिखा दूंगा यहाँ पे और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा के दूंगा, ट्वीट का आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और सेंट्रली अलाइंड सिंगल पंच होल जो सेल्फी कैमरा है आपको आईकू नियो 5 स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। 66 वॉट्स की होगी फास्ट चार्जिंग और ये स्मार्टफोन भी एक अच्छा खासा तगड़ा स्मार्टफोन है। इंडिया में आपको ये स्मार्टफोन भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस इंडियन लॉन्चेस की वैसे अगर हम बात करें तो वीवो की X60 सीरीज भी लाइंड अप है, ये भी इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और वीवो X60, वीवो X60 प्रो दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स गूगल के जो सपोर्टेड डिवाइसेस की लिस्ट होती है और गूगल प्ले कंसोल की जो लिस्टिंग होती है वहां पे हो गए हैं लिस्ट। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे निकल के आई है, बाकी की सारी स्पेसिफिकेशंस तो सेम है बट इन दोनों स्मार्टफोन्स के जो ग्लोबल वेरिएंट होंगे ना उनमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एक्सिनोस 1080 नहीं है यहां पे होगा स्नैपड्रैगन 870। और ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं मेरे हिसाब से इंडिया में भी हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ बहुत जल्दी अब देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस ओप्पो का भी एक नया स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाले जिसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसका नाम होगा ओप्पो फाइंड X3। तो गाइस ओप्पो फाइंड X3 जो स्मार्टफोन है ये मास्टर लू बेंचमार्किंग वेबसाइट पे अब हो चुका है लिस्ट। मास्टर लू पता है आपको? मास्टर लू ना जैसे गीकबेंच होता है, एंटूटू होता है, वैसे मास्टर लू करके भी एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे ओप्पो फाइंड X3 जो स्मार्टफोन है ये हो चुका है लिस्ट। ऑफ कोर्स क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर होगा, साथ में 8GB रैम और 3216x1440p मतलब क्वाड HD प्लस आपको यहां पे रेजोल्यूशन स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। जो मास्टर लू वाले स्कोर्स है ना ओप्पो फाइंड X3 के वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस आगे बढ़ते हैं रियलमी की तरफ। रियलमी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपने रियलमी GT स्मार्टफोन को। इस स्मार्टफोन के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें पता चल चुकी हैं, मतलब 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल होगा, ये होगा, वो होगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होगा, डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है, डिजाइन भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कैमरा भी हो सकता है अच्छे ही हो। और यहां पे रियलमी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रियलमी GT जो स्मार्टफोन है इसमें आपको DC डिमिंग की भी फीचर देखने को मिलने वाली है। सो यस, रियलमी GT इज टर्निंग आउट टू बी क्वाइट अ गुड स्मार्टफोन। अब देखते हैं स्मार्टफोन इंडिया में कब आता है, बट अभी के लिए अगर आपको DC डिमिंग जो फीचर है उसमें इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस, डिस्प्ले एक्सपीरियंस, तो आपको रियलमी GT स्मार्टफोन में DC डिमिंग भी देखने को मिलने वाली है। और गाइस रियलमी GT सीरीज तो चलो लॉन्च होने वाली है, बट इसके अलावा रियलमी 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं। और साइड बाय साइड रियलमी अपने 108 मेगापिक्सल्स वाले प्राइमरी कैमरा वाले स्मार्टफोन को भी टीज कर रहा है। तो अभी तक तो हम लोग यही लेके चल रहे हैं ना कि रियलमी 8 सीरीज में हमें 108 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। यहां पे डिजिटल चैट स्टेशन जी ने भी सेम कुछ क्लेम किया है, वो कह रहे हैं कि यार रेडमी और रियलमी दोनों ब्रांड्स की तरफ से कुछ नए मिड रेंज स्मार्टफोन्स जो हैं बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले जिनमें हमें 108 मेगापिक्सल्स के प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेंगे। तो आप लेके चलो यार यहां पे हर तरफ से यही खबर निकल के आ रही है कि Realme 8 सीरीज जो है इसके एटलीस्ट एक स्मार्टफोन में हमें फाइनली 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है। सो चलिए गाइस वीडियो करते हैं खत्म, लास्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को कर सकते हो आप सब्सक्राइब। वीडियो जो नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबाइए और उसके साथ जो बेल आइकन है, घंटी है, घंटा है, उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं दो खबरों के साथ। पहली बात तो ये कि पोको बहुत जल्दी अपना एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। अब ये Redmi K40 का रीब्रांड होगा और पोको F2
या पोको F3 इसका नाम होगा। ये तो हमें ऑलरेडी पता, मैं आपको बता चुका हूं, बट मेरे सोर्स ने आज एक और इंटरेस्टिंग चीज ये बताई है कि पोको का एक और 5G स्मार्टफोन, अपर मिड रेंज 5G स्मार्टफोन जो है, ये भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। हो सकता है दोनों स्मार्टफोन एक साथ लॉन्च हो, और हो सकता है कि यार ये पोको F3 सीरीज हो पूरी की पूरी, पोको F3, पोको F3 प्रो या फिर कोई अलग स्मार्टफोन हो, नाम मेरे को अभी नहीं पता, बट पोको का एक नहीं दो 5G स्मार्टफोन आपको अब बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। और लास्ट न्यूज की गाइस अगर हम बात करें तो ये बहुत ही तगड़ी न्यूज है। गाइस अभी कुछ टाइम पहले याद होगा आपको, क्वालकॉम ने एक प्रोसेसर लॉन्च किया था, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, अभी मार्केट में भी इतने स्मार्टफोन्स में नहीं आए ये स्मार्टफोन। और शाओमी का भी आपको याद होगा मी 11 स्मार्टफोन आया था अभी नॉट टू लॉन्ग अगो, इंडिया में तो अभी ये स्मार्टफोन लॉन्च ही नहीं हुआ। इंडिया में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाले स्मार्टफोन्स का हम वेट कर रहे हैं। यहां पे लीक निकलने आने शुरू हो चुके हैं क्वालकॉम के अपकमिंग फ्लैगशिप प्रोसेसर की, जिसका नाम होगा स्नैपड्रैगन 895। जी हां, स्नैपड्रैगन 895 प्रोसेसर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और Xiaomi का Mi 12 वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें ये प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। अब लगाओ कहां पे जा रही है लीक्स की दुनिया, अभी Mi 11 स्मार्टफोन पूरी दुनिया में फैला नहीं है, स्नैपड्रैगन 888 जो प्रोसेसर है हम लोगों ने टेस्ट भी नहीं किया, यहां पे 895 और Mi 12 स्मार्टफोन की भी बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। और इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि आपके हिसाब से आज के टाइम में एक स्मार्टफोन में मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए, तो गाइस यहां पे 76% लोग कह रहे हैं 6GB रैम तो होनी ही चाहिए। और गाइस आज की वीडियो का पोल सिंपल सा है, आपका जो स्मार्टफोन है, ऑफकोर्स आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे आई बिलीव आई होप, तो आपका जो स्मार्टफोन है उसकी डिस्प्ले किस टाइप की है, HD+ है, Full HD+ है, Quad HD+ है, मतलब आपके डिस्प्ले की रेजोल्यूशन क्या है, कम्युनिटी सेक्शन में जाके वोट करके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले ये देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स, आपका कोई कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट में फीचर करता रहूं। सो गाइस न्यूज़ होगी आज की सारी खत्म सुबह वाली, बट वीडियो खत्म करने से पहले हम देख लेते हैं कल के फाइंड स्टफ विन स्टफ के विनर का नाम। मुबारकबाद ब्रदर, आप जीत चुके हैं कल का फाइंड स्टफ विन स्टफ। जल्दी से 24 घंटे के बीच में स्टाइलिस्टिंग्स को कीजिए DM सो दैट आपका जो प्राइस है हम आपको भेज पाए। और आज की वीडियो में भी कहीं ना कहीं पे है सम स्टफ, सम क्लू, फाइंड दैट स्टफ विन सम स्टफ। सो गाइस ये थी आज की सुबह के टेक्स्ट स्टफ, आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम को फिर से एक बार टेक्स्ट स्टफ के एक और नए एपिसोड में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद। है ये तेना नई लाइव वीडियो नियो 5 स्मार्टफोन 1440 पिक्सल्स रेजोल्यूशन F3 प्रो